हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे ओवरऑल लुक के लिए हमारी हेयर स्टाइलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमें कहीं भी जाना होता है, पार्टी हो, शादी हो या फिर मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, आजकल हेयर स्टाइलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सबको करने के लिए हम लोग बहुत सारे स्टाइलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हमारे बालों को हीट के यूज़ से किए जाते हैं, और जब हम वो टूल्स यूज़ करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस, रफ़ हेयर, फ्रिजी हेयर, ये चीज़ें होती हैं। और इनसे बचने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और हम लोग कभी कभी उसे हड़बड़ी में यूज़ भी नहीं करते हैं, जो कि है हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊँगी। हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे क्या होता है? हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे एक तरीके की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होने वाला स्टाइलिंग टूल्स, जैसे कि कर्लर, स्ट्रेटनर और बाल ब्लो ड्रायर वगैरह हम लोग करते हैं, उसको हीट से हमारे बालों को जो नुकसान होता है उससे बचाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बालों को स्टाइल करने से पहले लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि हीट प्रोटेक्टेंट कैसे काम करता है। ये आपके बालों में एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर ऐड करता है। स्प्रे बालों में नमी यानी कि मॉइस्चर को सील कर देता है और क्यूटिकल्स को स्मूथ कर देता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें यूज़ करना चाहिए, पर अब कुछ लोगों को ये होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो कौन सा यूज़ करें, कैसे सही हीट स्प्रे को कैसे सही तरीके से चूज़ किया जाए और इसे यूज़ कैसे करें। तो मार्केट में बहुत टाइप्स के स्प्रे अवेलेबल हैं, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप उन्हें ले सकते हैं। बहुत सारे नॉन ग्रीसी फार्मूला बेस्ड भी होते हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बालों को कलर करते हैं तो ऐसे भी स्प्रे आते हैं जो सेफ ऑन कलर्ड हेयर उसमें मेंशन होता है, ऐसे लिख कर आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बातें और हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, जैसे कि चूज़ करते समय हम लोग को ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट में सल्फेट फ्री होना चाहिए, प्रोबेन फ्री होना चाहिए, प्रोडक्ट में पेंथेनॉल और प्रोपिलीन होना चाहिए। अब पेंथेनॉल और प्रोपिलीन क्या करते हैं? ये एयर से मॉइस्चर लेके आपके बालों को देने का काम करते हैं। अमीनो एसिड्स होने चाहिए जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देते हैं। नेचुरल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्हें यूज़ कैसे करना चाहिए। हेयर स्प्रे लगाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दूरी मेंटेन होनी चाहिए, और हेयर स्प्रे को आप जितना ज़्यादा अच्छे से सेक्शन वाइज सेक्शन वाइज करके लगाएंगे, क्योंकि आप जब आप उस आप कोई भी स्ट्रेटनर या ड्रायर कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली पूरे बालों पे यूज़ होगा, तो उसे सेक्शन वाइज यूज़ करना चाहिए। उसे रूट टू टिप लगाइए। और हेयर स्प्रे को लेकिन आप कभी भी ये मत लगाते समय मतलब ध्यान रखिए कि उसे स्कैल्प पर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं स्प्रे करने के बाद हमेशा कॉम करती हूँ। और अब आपको भी अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। कॉम करने से क्या होता है कि ये एक इवनली पूरे बालों में फैल जाता है अच्छे से और सही एक अच्छा टेक्सचर हो जाता है। मैं जो हेयर स्प्रे यूज़ करती हूँ वो है बी ब्लंड का हॉट शॉट। ये मुझे अपने बालों के टेक्सचर और उसके नीड के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मुझे वो सारी खूबियाँ नज़र आती हैं जैसे कि मुझे चाहिए अपने बालों के लिए। और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि हीट प्रोटेक्टेंट जो होता है वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये एक तरीके से आपको एक लिमिट तक ही प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से अपने बालों को रखना है तो उसके अलावा आपको अपने हेयर केयर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। और जो एक बात डिपेंड करती है कि आप जो भी हीट टूल यूज़ कर रहे हैं अपने बाल पे यूज़ करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए, उसका टेम्परेचर भी सेट होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि मुझे लगता है आप लोगों को मेरा ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।